मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई रोचक नजारे देखने को मिल रहे हैं। चितरंगी में भाजपा प्रत्याशी राधा सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता से वोट मांग रही हैं। राधा सिंह के ससुर जगन्नाथ सिंह मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राधा सिंह ने विधानसभा में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। राधा सिंह ने अपने ससुर पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह एवं विधायक अमर सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चितरंगी विधानसभा में तेजी से विकास हुआ है और जहां कमी रह गई है विधायक बनने के बाद हम उसे पूरा करेंगे। डीएमएफ फंड को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनी तो डीएमएफ फंड जिले में खर्च कराने का पूरा प्रयास करूंगी। विधानसभा में कमियां कुछ नहीं है, मेरे पूर्वी देखें, उत्तरी देखें, दक्षिणी एरिया देखें, पूरे जगह मेन चीज है आवागमन का साधन, वो सारे जगह है। जो छोटे छोटे रोड रास्ता है, जमीन नहीं देने के कारण वो रोड नहीं बनी है, और बाकी कुछ ऐसी बड़ी मुद्दा नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ जो बकरा क्षेत्र है वहाँ अभयारण्य के चलते काम रुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोड भी बनता है तो जरा सभी मिट्टी उठाने नहीं देते, इस कारण से वहाँ का काम कुछ रुके हुए हैं। चितरंगी विधानसभा में प्रवासी बन के आए हैं भाजपा से, जैसा कि यहाँ पे राधा सिंह जी प्रत्याशी चितरंगी विधानसभा से हैं, और जो हम यहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, लोगों का रुझान बहुत अच्छा है यहाँ। फिर है रंग की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।